चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये फ्री है और फ्री की चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती है। तो स्वागत है आपका इस चैनल पे, और आज हम देखेंगे क्लासिक एंड एडाप्टिव मशीन्स। क्लासिक मतलब ट्रेडिशनल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एडाप्टिव मशीन नई चीज़ें क्विकली अडाप्ट कर सकता है जो ट्रेडिशनल या क्लासिक मशीन्स नहीं कर सकते हैं। तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एडाप्टिव मशीन्स। बिकॉज ऑफ अ सिंगल चैनल स्ट्रक्चर, एडाप्टिव मशीन डिफरेंट डेटा कलेक्शन मेथड्स, ग्रुपिंग, एनालिसिस, इनका प्रयोग करके उनसे सीखती है, उनसे लर्न करती है। इस एडाप्टिव मशीन डेटा कलेक्ट करके, एनालाइज करके उस डेटा से लर्न करती है एंड उसके बाद रिजल्ट प्रेडिक्ट करती है। तो अब देखते हैं कि एडाप्टिव मशीन को एडाप्टिव क्यों कहा जाता है। मींस अब हम इस सेक्शन में देखेंगे एडाप्टिव मशीन्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। तो देखते हैं ये एडाप्टिव क्यों है। तो ये एडाप्टिव मशीन जब तक उसको डेटा या इन्फॉर्मेशन फीड किया जाता है तब तक वो सीखते रहता है। और सिंगल स्ट्रक्चर होने की वजह से या सिंगल चैनल होने की वजह से यह हर एक फीडबैक को फॉलो करके उसमें इम्प्रूवमेंट करती है, सो दैट फ्यूचर प्रेडिक्शन विल गेट इम्प्रूव ऑटोमेटिकली। और एक प्लस पॉइंट बोले तो ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो रियल टाइम प्रोसेस होती है। तो ये नए चीज़ों को क्विकली अडॉप्ट करके रिजल्ट प्रेडिक्ट करता है, और रिजल्ट होता है वो भी इम्प्रूव रिजल्ट होता है। और एक फायदेमंद चीज़ की बात करें तो ये एडाप्टिव मशीन हाई परफॉर्मेंस एंड एक्यूरेट प्रिसीजन प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल और क्लासिक मशीन। क्योंकि ये एडाप्टिव मशीन लर्निंग रियल टाइम में काम करती है, तो डेटा यानी कि रिजल्ट वो जो है वो आउटडेटेड होने का चांसेस नहीं होता है। एट द एंड एडाप्टिव मशीन लर्निंग या एडाप्टिव मशीन को डिस्क्राइब करना हो शॉर्ट तो एजाइलिटी, स्ट्रेंथ, इफिशेंसी, इन शब्दों में हम एडाप्टिव मशीन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एजाइलिटी मीन्स सिस्टम इमिजिएटली एक्ट कर सकती है विदाउट एनी डिलेज। स्ट्रेंथ की बात करें तो सिस्टम कैन अचीव हाई प्रोफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी, एंड विद द इफिशियंसी सिस्टम कैन फाइंड वेज टू परफॉर्म इमैक्यूरेटली विद लोअर कॉस्ट। सो अब बात करते हैं एडाप्टिव ML एंड ट्रेडिशनल ML डिफरेंट कैसे है, उनमें क्या फ़र्क है। सो फर्स्टली ट्रेडिशनल या क्लासिक मशीन में दो चैनल्स प्रोवाइड किए गए हैं या दो चैनल्स होते हैं, और डेटा जो है वो पूरा कॉन्जिक्यूटिवली कॉन्स्टेंटली डिवाइड होता है इन दोनों चैनल में। इसकी वजह से होता क्या है कि ट्रेडिशनल या क्लासिक ML को रिजल्ट प्रेडिक्ट करने में बहुत टाइम लगता है एज कम्पेयर टू एडाप्टिव ML। और जब तक ट्रेडिशनल या क्लासिक मशीन आउटपुट देती है, आउटपुट प्रोवाइड करती है, तब तक वो डेटा, वो आउटपुट आउटडेटेड और कुछ काम का भी नहीं रहा होता है। इसी ड्रॉबैक को इम्प्रूव करने के लिए एडाप्टिव मशीन जो है वो सिंगल चैनल पे काम करती है, तो उसमें डेटा डिवाइड नहीं होता है और आउटपुट का टाइम जो है वो एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल क्लासिक ML बहुत कम टाइम लेता है और बहुत जल्दी आता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ट्रेडिशनल या क्लासिक ML जो है वो कम अमाउंट ऑफ डेटा, लेस अमाउंट ऑफ डेटा पर काम करती है और टाइम भी बहुत लेती है एज़ कम्पेयर टू एडाप्टिव ML। और जो डेटा है उसके ऊपर ट्रेडिशनल और क्लासिक ML काम करती है, वो डेटा भी स्टैटिक या परमानेंट डेटा होता है, जैसे कि मानो हिस्टोरिकल डेटा होता है, और ये बहुत टाइम लेता है सिस्टम बिहेवियर चेंज होने में। तो इस सब की वजह से जो इम्पोर्टेंट मैटर्स है वो मिस हो जाते हैं। इन सम ड्रॉबैक्स की वजह से एडाप्टिव मशीन लर्निंग फायदेमंद है, क्योंकि वो हिस्टोरिकल या परमानेंट या स्टैटिक डेटा के ऊपर काम नहीं करती है, वो रियल टाइम डेटा पे काम करती है या प्रोसेसिंग करती है, और सिस्टम बिहेवियर चेंज होने में भी कम टाइम लेती है, तो इसके लिए रिजल्ट का टाइम भी कम होता है। ML के पास एक यूनिक एबिलिटी है, वो पास्ट डेटा और पास्ट डेटा एनालाइजिंग और पास्ट डेटा प्रोसेसिंग से सीखती है, लर्न करती है। मतलब उसका सिस्टम स्ट्रक्चर और सिस्टम मैकेनिज्म जो है वो फीडबैक के ऊपर बेस्ड है। एडाप्टिव मशीन लर्निंग में फीडिंग डेटा मैकेनिज्म होता है वो पास्ट डेटा प्रोसेसिंग या पास्ट डेटा एनालाइजिंग से सीख जाती है। जितना डेटा एडाप्टिव मशीन लर्निंग को प्रोवाइड करेंगे उतना ही वो लार्ज, बड़ा या और स्मार्टर बनेगी। तो आप बोलेंगे कि जितना डेटा मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बट वो डेटा भी क्वालिटी होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, उसके रिलेटेड होना चाहिए। और एक खास बात जो एडाप्टिव ML की है वो कि वो पुरानी गलतियों से सीख जाती है,
पुराने मिस्टेक से वो फीडबैक लेती है और उनको इम्प्रूवमेंट करते हुए फ्यूचर रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो लॉन्गर दे विल गेट ऑपरेटेड, मोर एक्यूरेट रिजल्ट यू विल गेट. के साथ साथ देखते हैं ML के कुछ एप्लीकेशन. तो गूगल सर्च, स्टॉक प्रेडिक्शंस है, ये सब ML के इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस है जो हमें डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं. सोशल मीडिया सर्विस लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो आपको फ्रेंड का सजेशन मिलता है, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, वो भी ML का एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है. और एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो हमें ईमेल में देखने मिलता है कि हम जब ईमेल बॉक्स ओपन करते हैं तो इनबॉक्स में हमें तीन सब टैब्स देखने मिलते हैं. तो पहला होता है मेन टैब, दूसरा होता है प्रमोशंस एंड तीसरा होता है स्पैम्स. तो ML एल्गोरिदम्स स्पैम मेल्स डिटेक्ट करके उसको अलग फोल्डर में भेजते हैं सो दैट वी कैन यूज इम्पॉर्टेंट मेल, सो दैट वी कुडंट मिस द इम्पॉर्टेंट अपडेट ऑफ मेल्स. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि ये फ्री है और फ्री की चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती है.